गाइस हमारे लोस सैंटोस में फ्री फायर के सबसे खुफिया लकी बॉक्सेस को छुपाया गया है, जिनको ओपन करने पर हमें फ्री फायर के सबसे पावरफुल बंडल्स जैसे कि सकुरा, हिप हॉप, क्रिमिनल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन फ्री फायर का जो ये सबसे पावरफुल और बिगेस्ट लकी बॉक्स है, वो हमें दुनिया का सबसे बड़ा थ्री हेडेड रेड क्रिमिनल का बंडल देगा। अगर आप फ्री फायर के इस सबसे रेयरेस्ट और बिगेस्ट रेड क्रिमिनल को देखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आप में से फ्री फायर कौन कौन खेलता है। वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो ऑलराइट गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, आज हम फ्री फायर के यार सबसे अमेजिंग वाले लकी बॉक्स को ओपन करने वाले हैं। लेकिन यार उन्हें ओपन करने से पहले हमें उन्हें यार ढूंढना भी होगा। तो यार हमारा पहला लकी बॉक्स तो हमारे आसपास ही है, लेकिन ये नहीं पता भाई वो कहां पर है। समुद्र के अंदर भी हो सकता है, यहां पर जमीन पर भी हो सकता है, या फिर वहां पर पत्थरों पे। अरे गाइस वो देखो, पत्थरों का नाम लिया और हमें यार हमारा पहला लकी बॉक्स मिल चुका है, जो कि दिखने में यार काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। तो चलो उसके पास चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारा पहला लकी बॉक्स होगा उसमें हमें फ्री फायर का कौन सा करेक्टर मिलने वाला है। तो यार यार दिखने में तो काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इन पत्थरों पे इसे कौन रख के गया? ये देखो गाइज, फ्री फायर का बुया भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये देखो यार इसके ऊपर है ना फ्री फायर के डायमंड की कितनी बड़ी पिक्चर लगी हुई है। और भाई यार ये वाला लकी बॉक्स दिखने में तो यार काफी ज्यादा ही मस्त लग रहा है। इस तरफ क्या है? अरे ये देखो, इस तरफ इसके ऊपर फ्री फायर भी लिखा हुआ है। तो चलो यार फिर अभी लेट नहीं करते हैं, जल्दी से इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो 3, 2, 1 फायर हो। तो गाइस यार ये देखो, हमें फ्री फायर के पहले लकी बॉक्स से हमारा एडम मिला है, जो कि यार बेसिक करेक्टर है, इसके अंदर कोई एबिलिटी तो नहीं है, लेकिन यार ये एडम हमारी हेल्प करेगा बाकी के और भी लकी बॉक्स को ढूंढने में। तो चल भाई एडम हमारे साथ साथ आ जा और हमें बता कि जो बाकी के फ्री फायर के लकी बॉक्स है वो कहाँ पर है। तो गाइस अभी एडम ने हमें यार अपने अगले लकी बॉक्स की यार लोकेशन तो बता दी है, लेकिन इसने बताया कि जो हमारी नेक्स्ट लोकेशन है ना वो फ्री फायर का ट्रेनिंग ग्राउंड है, और उसी ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर हमें अपना अगला लकी बॉक्स मिलने वाला है। लेकिन गाइस यार एडम ने बताया कि जो ट्रेनिंग ग्राउंड है ना फ्री फायर का, वो हमारे लोस सैंटोस से यार काफी ज्यादा दूर है, और यार अगर हम बाइक से जाएंगे तो उसमें यार हमें वहां पर पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और इसी बात के लिए हमारा एडम आज हमारी हेल्प करेगा। लेकिन यार ये एडम इतना ज्यादा अच्छा है, ये ना हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का रास्ता तो बता ही रहा है, और साथ में अपना चोपर भी दे रहा है, जिसकी हेल्प से हम ट्रेनिंग ग्राउंड में जल्दी से पहुंच पाएंगे। तो यार अभी मैं है ना एडम के साथ ही उसका चोपर लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इसने अपने चोपर को ना काफी खुफिया लोकेशन पर छुपा रखा है। तो चलो फिर जल्दी से मैं वहां पर पहुंचता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एडम का जो चोपर है वो कैसा है। तो गाइस ये देखो, एडम का चोपर भाई क्या ही तगड़ा है, और इसके साथ इसमें है ना मिसाइल्स भी है और साथ में यार बुलेट भी है। भाई यार दिखने में क्या ही तगड़ा चोपर है। तो चलो गाइस इस वाले चोपर को लेते हैं और जल्दी से यार ट्रेनिंग ग्राउंड को ढूंढते हैं कि आखिर ट्रेनिंग ग्राउंड कहां पर है। तो यार मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चोपर को चलाने के लिए। तो चलो यार जल्दी से बैठते हैं, बैठ जाए एडम यार जल्दी से। ओ भाई ये देखो एडम भाई क्या स्टाइल में बैठा है। तो चलो यार टेक ऑफ करते हैं और जल्दी से यार ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंचते हैं, क्योंकि मुझे यार अपना अगला नेक्स्ट वाला लकी बॉक्स भी तो ढूंढना है ना। ओ भाई यार क्या ही स्मूथ चल रहा है। ये देखो भाई यार, अगर मिलिट्री वालों से भी आज हमारी फाइट हो जाए ना तो उसका भी मुकाबला हम इजीली कर सकते हैं। भाई क्या ही खतरनाक चोपर है। तो गाइस फाइनली हम फ्री फायर के यार ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। गाइस आपने आज से पहले यार फ्री फायर का जो ट्रेनिंग ग्राउंड है ना वो यार इतनी ऊंचाई से नहीं देखा होगा कि ये दिखने में कैसा लगता है। ये देखो यार, यहाँ पर ये बेसमेंट वाला एरिया है और वो वाला एरिया है जहाँ पर हम मेन फ्री फायर की ट्रेनिंग करते हैं। तो चलो गाइस अपने चोपर को नीचे लैंड करवाते हैं। हो तो चलो यार फाइनली हमने यार काफी मुश्किल के बाद इस वाले चोपर को यहाँ पर लैंड तो करवा दिया, लेकिन यार इस वाले चोपर को है ना यहाँ पर लैंड करवाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि एक तो देखो यहाँ की जमीन है ना वो उल्टी सीधी है, यानी कि देखो बराबर नहीं है। अबे भाई एडम वहां पर कहां पर जा रहा है? हमें शायद यहां पर मिलेगा लकी बॉक्स। भाई साहब यार ये ट्रेनिंग ग्राउंड कितना ज्यादा बड़ा है, उस वाले एरिया को तो मैंने छान मारा, हमें वहां पर कोई भी लकी बॉक्स नहीं मिला है। तो चलो यार अभी हमारी लास्ट होप यही है, क्योंकि एडम ने हमें बताया था कि यहीं पर हमें कोई ना कोई लकी बॉक्स मिलेगा, लेकिन यार हमारा एडम कहां है? भाई वो ट्रेनिंग ग्राउंड देखते ही कहीं पर ट्रेनिंग करने चला गया क्या? यार मुझे तो पता ही नहीं लग रहा कि हमारा एडम कहां पर जा चुका है, और अभी इस टाइम यार ट्रेनिंग ग्राउंड में कोई भी नहीं है। भाई यार मुझे ऐसा लग रहा है एडम ने हमें बेवकूफ तो नहीं बना दिया ना? नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे गाइस ये देखो, अभी हम एडम की बात कर रहे थे और अभी हमें यार अपना लकी बॉक्स मिल चुका है। ये भी यार सेम टू सेम उसी पहले वाले लकी बॉक्स की जैसा है। तो चलो अभी देखते कि जो ट्रेनिंग ग्राउंड में हमें जो ये लकी बॉक्स मिला है इसमें हमें कौन सा फ्री फायर का कैरेक्टर मिलेगा। तो 3, 2, 1 फायर हो। अरे गाइस यार ये देखो, इस वाले लकी बॉक्स में हमें फ्री फायर के प्लेयर्स का सबसे फेवरेट कैरेक्टर यानी कि डीजे आलोक मिला है।
भाई यार डीजे आलोक का पूरा बंडल ही हमें मिल चुका है जैसा कि आप देख सकते हो, इसलिए पूरा का पूरा बंडल पहना हुआ है। तो गाइज आपको डीजे आलोक कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ में आप ये भी बताना कि आप में से कौन कौन फ्री फायर खेलता है। तो गाइज ये देखो हम जैसे ही ट्रेनिंग करके लौटे ना, हमें वहां से यार हमारा पांडा पेट भी मिल चुका है। भाई यार ये पांडा कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है देखने में, और ये है ना हम जहां पर भी जाएंगे हमारे साथ साथ रहेगा। ये देखो जैसे कि फ्री फायर में एक पेट आपके साथ रहता है ना, ऐसे जीटे में भी ये पेट हमारे साथ रहेगा। तो गाइज अभी मेरे मन में एक आइडिया है, चलो चेक करते हैं कि जो हमारा पांडा पेट है वो भी गन वगैरह चला सकता है या फिर नहीं चला सकता। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से अपने पीछे ना पुलिस को लगा लेता हूँ और देखता हूँ कि जो हमारा ये पेट है वो हमारी पुलिस से फाइट करने में हेल्प करेगा या फिर नहीं करेगा। तो गाइज ये देखो अभी हमारे पीछे यार पुलिस लग चुकी है। अबे भाई ये पेट कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा? अबे यार ये तो आराम से खड़ा है, ये कुछ कर ही नहीं रहा वो देखो। अबे भाई यार ये नाम नाम का पेट है, ये हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। अभी क्या कर रहा है? वहां पर छुपा हुआ है। तुम्हारे तो ऐसी की ऐसी, हमें अकेले इन सारे पुलिस वालों को संभालना होगा। भाई यार ये तो आ ही जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हमारा लोग इनको अकेले नहीं रोक पाएगा। तेरी तो ये ले ये ले ये ले ये ले। अबे भाई आ ही जा रहे हैं आ ही जा रहे हैं। तो चलो यार अभी इस वाले एरिया से निकलते हैं। हमने वहां पर सारे के सारे पुलिस वालों को खत्म कर दिया था, और अभी हमारे पास यार नेक्स्ट वाले लकी बॉक्स की लोकेशन आ चुकी है, जो कि हमें यार फ्री फायर के सबसे खतरनाक वाले एरिया में मिलने वाला है, जो कि है क्लॉक टावर। और अगर आप यार फ्री फायर खेलते हो ना तो आपको पता ही होगा कि यार जो क्लॉक टावर है उसमें यार कितने खतरनाक खतरनाक प्लेयर्स आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो है ना सबसे खतरनाक जगह है। तो वहां पर यार जो हमारा लकी बॉक्स होगा वो भी काफी ज्यादा रेयर वाले करेक्टर का होगा। तो चलो देखते हैं कि हमें वहां पर कौन सा प्लेयर मिलने वाला है। तो गाइस यार फाइनली हम क्लॉक टावर पर भी पहुंच चुके हैं। अबे भाई यार ये क्लॉक टावर का एरिया कितना ज्यादा बड़ा है। गाइस ये जो मेरे सामने आप ये टावर देख रहे हो ना, इसकी वजह से यार इस वाले पूरे एरिया को क्लॉक टावर बोलते हैं। भाई यार यहाँ पर तो काफी ज्यादा घर है, हमें यार एक एक घर को छान मारना होगा। वो वाला लकी बॉक्स यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। नहीं यार इस वाली हट में तो नहीं है। भाई यार वहाँ पर और भी घर है। चलो गाइस देखते हैं हमें यहाँ पर मिलता है या नहीं मिलता। यहाँ पर कोई नहीं रहता क्या? मुझे नहीं पता गाइस, यहाँ पर प्लेयर तो आते थे। अरे यार ये देखो यहाँ पर बेड वगैरह भी नहीं है, लेकिन फ्री फायर में यहाँ पर बेड वगैरह होते थे। चलो एक काम करते हैं, वहाँ पर मेन वाली बिल्डिंग के वहाँ पर जाकर देखते हैं। भाई यार मुझे अकेले है ना इस वाले एरिया में आने में काफी ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर है ना काफी खतरनाक खतरनाक प्लेयर्स रहते हैं। अगर किसी ने भी हमें देख लिया ना तो वो सीधा पट से हेडशॉट देगा, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और गाइस वो देखो यहाँ से हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड का एरिया भी दिख रहा है। देख रहे हो ट्रेनिंग ग्राउंड भाई कितनी ऊंचाई पर है। नहीं गाइस यार इस वाले घर में भी नहीं है, बस अभी ये एक घर बचा है। अगर यहाँ पर हमें कोई लकी बॉक्स मिल गया तो मिल गया, वरना हमें फिर नेक्स्ट वाली लोकेशन देखनी पड़ेगी। अबे भाई मेरे मिल जा। अरे ये क्या है? अरे गाइस ये देखो हमें फ्री फायर का एक और लकी बॉक्स मिल चुका है। गाइस यार ये तो काफी ज्यादा चमक रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला लकी बॉक्स काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। अरे भाई यार दिखने में भी भाई कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये इफेक्ट देखो भाई कलरफुल कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो चलो गाइस इसे भी जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से हमें क्या मिलेगा। तो 3 2 1 फायर। अरे गाइस यार ये देखो इस वाले लकी बॉक्स से हमें सीजन 2 का बंडल मिला है, जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है यार। इसका नाम है हिपो बंडल। और भाई यार ये देखो इसके बंडल के सेम टू सेम हमें एक सुपर लग्जरी कार भी मिली है। और ये क्या हमारे पीछे भी है कोई? अरे गाइस ये देखो हमें साथ में टाइगर पेट भी मिला है। तो चलो गाइस जल्दी से अपनी कार में बैठते हैं और देखते हैं कि इस वाली सुपर लग्जरी कार की टॉप स्पीड क्या है और इसकी हैंडलिंग कैसी है। अभी टाइगर यार जल्दी बैठ तू भी। तो चलो गाइस जल्दी से क्लॉक टावर से निकलते हैं इससे पहले कि यहाँ पर और कोई प्लेयर आए। और भाई हमारा जो निंजा पेट है ना, तो उसका बैठने का स्टाइल भी भाई काफी ज्यादा ही अलग है यार। इसकी हैंडलिंग तो काफी ज्यादा जबरदस्त है, मतलब कि ये देखो ऑफ रोड में भी क्या ही तगड़ी चल रही है। भाई यार ये देखो पूरे रोड पर हमारी जैसी कार किसी के भी पास नहीं है। चलने में भी काफी ज्यादा मस्त है, लुक में भी काफी ज्यादा मस्त है, और हमारा जो निंजा पेट है वो तो भाई सबसे ज्यादा ही मस्त है। और यार ये देखो हमारा प्लेयर भाई क्या ही कूल लग रहा है, मतलब कि गोल्ड की चेन है और साथ में जो इसकी आइकॉनिक कैप है ना, ये तो भाई काफी ज्यादा जबरदस्त है। तो गाइस अभी जो लास्ट वाला लकी बॉक्स है ना वो सबसे ज्यादा अलग है। तो यार अभी मुझसे वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें देखो इस वाले लकी बॉक्स में कितने खतरनाक वाला बंडल मिला था, और जो बड़े वाला लकी बॉक्स होगा उसमें तो भाई और भी खतरनाक वाला बंडल हमें मिलेगा। भाई यार क्या ही खतरनाक चढ़ाई थी यार, इस वाले माउंटेन पर चढ़ाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। और गाइस ये देखो कितना बड़ा लकी बॉक्स हमें इस वाले माउंटेन पर मिला है। अबे भाई यार इसके अंदर से तो आग भी निकल रही है इतनी ज्यादा खतरनाक वाली। तो चलो अभी मैंने अपनी आरपीजी भी निकाल ली है और इसकी हेल्प से हम इस बड़े
बड़े वाले खतरनाक लकी बॉक्स को भी ओपन करेंगे। तो चलो 3 2 1 फायर। अरे यार ये देखो भाई साहब, ये तो गजब हो गया। हमें यार क्रिमिनल्स का पूरा बंडल मिला है, जिसमें कि हमारे पास पर्पल क्रिमिनल भी है, येलो क्रिमिनल भी है, ग्रीन भी है और साथ में ब्लू भी है, और भाई सबसे रेयर और खतरनाक दिखने वाला हमारे पास रेड क्रिमिनल भी है। तो गाइस इसलिए ये वाला जो लकी बॉक्स था वो इतना ज्यादा स्पेशल था। अरे एक मिनट, अभी मैं यार रेड क्रिमिनल को और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकता हूँ, तो चलो यार जल्दी से इसे भी अपग्रेड करता हूँ। तो 3 2 1 अरे यार ये देखो, ये तो रेड गोट क्रिमिनल बन चुका है, जिसके पास 3-3 हेड है। और भाई यार इसका साइज देखो कितना ज्यादा बड़ा है। तो गाइज आप मुझे बताओ, फ्री फायर में ऐसा कौन सा बंडल या फिर ऐसा कौन सा प्लेयर है जो कि इस वाले क्रिमिनल को कभी खत्म कर सकता है? तो इसकी मैं आपको पावर्स दिखाता हूँ। ओ भाई साहब अभी इसका पंच देखना, ओ भाई यार क्या ही खतरनाक जंप मारता है। और गाइस दिखने में यार ये काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा है, क्या आपको भी ये दिखने में डरावना लग रहा है या नहीं लग रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस ये देखो, ओ भाई ये देखो, हम यार मिलिट्री बेस में घुस चुके हैं। मिलिट्री बेस हमारे सामने कितना ज्यादा छोटा लग रहा है, और अभी हमें ना इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि पूरे मिलिट्री वाली या फिर पूरे लॉस सैंटोस की पुलिस भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तो ये देखो यहाँ पर इनका कार्गो प्लेन है, और इसको देखो भाई कितना इजीली हमने एक हाथ से ही उठा लिया है, वहां पर फेंकते। ये देखो भाई कितने ज्यादा ताकतवर हम हो चुके हैं। और गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं फ्री फायर के लकी बॉक्स का सेकंड पार्ट भी बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में यार यस जरूर लिख देना। गाइस अगर आप यस लिखोगे ना, तभी मैं फ्री फायर के लकी बॉक्स का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, जिसमें हम फ्री फायर के और भी रेयरेस्ट बंडल को एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, साथ में ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।